हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। बहुत टाइम बाद कोई नेपाली मूवी का ट्रेलर या टीज़र का रिएक्शन लेकर मैं आ रहा हूँ आप सबके सामने। ठीक है, और अलग अलग लैंग्वेजेस के तो आ रहे थे बट नेपाली के बहुत कम आ रहे थे। लास्ट हमने कौन सा किया था मुझे याद भी नहीं है। अब फाइनली कोई ऐसा ट्रेलर आया जिसके हम टीज़र को ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, तो उसका ट्रेलर आ चुका है जो कि ये है। ये रहा बीए पास, उसमें शायद से मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, इसमें शायद से हमने सही किया। बीए पास है वो, बीए बाय नहीं है, बीए पास है। ठीक है, ऊपर की तरफ तो स्टार कास्ट लिखी है, जल्दी से आप पढ़ लो। 4K में सबटाइटल्स ऑन कर रहे हैं हम। 3 मिनट 4 सेकंड का लंबा है, मज़ा आएगा। और 6 घंटे हुए हैं इसमें और 91,000 व्यूज़ हैं, मतलब 1 लाख होने में अराउंड 9,000 व्यूज़ कम है। छः, लेकिन इसने बहुत जल्दी हाइप क्रिएट कर दी है 6 घंटे के अंदर अंदर। इतना ज़्यादा मतलब इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये मिलियन बहुत जल्दी टच कर लेगा। अराउंड 2 दिनों में इसके मिलियन हो जाने चाहिए। तो हमने सोचा कि हम भी सहयोग दे देते हैं। बुधा सुबादा डिजिटल या सुबह डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर आया है। बहुत टाइम बाद इनके कोई ट्रेलर या टीज़र को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब नेपाली तो कर ही रहे हैं और इनका भी, मतलब तुम समझ रहे हो ना, बहुत टाइम बाद हो रहा है। तो आओ इन्जॉय करते हैं सब मिलकर, सब टाइटल्स ऑन करते हैं, होंगे इसमें 4K में है तो इन्जॉय, तो विजुअल्स तो बढ़िया होंगे 4K में है। तो आ जाओ बिना किसी देर के साथ डायमंड करते हैं। ए लो, जस्ट वेट अ सेकेंड, शायद से ऑडियो, हाँ ऑडियो ओपन नहीं थी, चलो जीरो करते, आ जाओ। सुबह डिजिटल एंजॉय विद अस। ओप सब टाइटल्स होंगे ये को आवेदन नहीं है यार, फोटोकॉपी भी अनफॉर्चुनेटली सब टाइटल्स नहीं है। तो मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को समझ में नहीं आएगा, तो बस आपसे ही रिक्वेस्ट है, जो भी नेपाली जनता मेरी देखती है, जो भी नेपाली लोग, नेपाली पब्लिक मेरी ऑडियंस है या मेरी पब्लिक है, मतलब या फिर जो भी मेरे रिएक्शन वीडियोस को इंजॉय करते हैं नेपाली जनता में से, उनसे बस एक दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझ कर इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। प्लीज़ मेरे इस रिएक्शन वीडियो पर कमेंट कर कर बता देना कि इसमें क्या चल रहा है, समझा देना मतलब मुझे और मेरी और जनता को, मतलब उन पब्लिक को या उस पब्लिक को जिसको मेरे साथ साथ ये लैंग्वेज नहीं आती, तो समझा देना मतलब। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। हम विजुअल्स पे और सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, बस डायलॉग्स को नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा इसमें चल क्या रहा है। कोशिश करूंगा समझने की विजुअल से ही, देखते हैं, ये एक टास्क है हमारे लिए और कोशिश करते हैं कि हम, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि इसको पूरा करूँ टास्क को। आ जाओ, बिना डरता हुँदैन भन्ने थाहा थिएन तपाईलाई बिहे गर्न मन छैन हो, ठीक है, डिवोर्स के लिए आए हैं, मन भएर त यहाँ छु तिमीसँग लड रहे हो क्या? अच्छा, लो कोर्ट को खल्तीमा राखे थे, हाँ कोर्ट है, डिवोर्स के लिए आएंगे या कोर्ट मैरिज? डिवोर्स के लिए आए, कोर्ट मैरिज के लिए। सीआईबी यसरी घरमै सीआईबी आको त मैले सीआईबी आइयो छ घरमा सर, यो कुरालाई रेड मार्न हामी हामी बीचमा मैले सबै कुरा भन्नु पर्ने भयो, खासमा म बोर्डरको गतिविधि हेर्ने अन्डरकभर सीआईबी। जो टीजर था उसमें तो थे सबटाइटल्स, इसमें नहीं है, पता नहीं क्यों। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जल्द से जल्द इसमें सबटाइटल्स डाले जाएं, या फिर हो सकता है इसमें सबटाइटल्स अभी अनेबल ना किए गए हों, मेरे रिएक्शन के बाद इसी वीडियो में सबटाइटल्स आए, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आप समझा देना, ठीक है, आसान भाषा में मुझे इस रिएक्शन वीडियो में समझा देना कि कमेंट्स में, ठीक है। बाकी हम ट्राई करते हैं समझने की, बट यही है कि वो शायद से कोर्ट मैरिज कर रहे हैं वो कोर्ट में, या डिवोर्स, पता नहीं। इस सीन में तो हमें ये पता चला था कि ये सच्चाई बता देता है इन्हें, मैं एक सीआईबी ऑफिसर हूँ। वो पूछ रहा है तुम्हें क्या पता सीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआईबी को फुल फॉर्म था हुँदैन ना रा? त्यसो भए भन्नु न त, वो जा ही रही है क्योंकि झूठ भाई छुपाई ये बात, इसलिए तपाईको नाम भाग्यराज, कति वर्ष पुग्नु भयो? भर्खर 32-33। पढाइ सढाइ यो मेरो मबाट हुन सक्दैन यार। अच्छा, वो एक बड़ा अफसर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ ये तो बताया बताया ही था, उस टीजर में था ये तो।
अंकल जी कोठामा पनि परिचय दिनुहुन्छ होला हैन कोठामा हैन बेटा कोठामा दिन्छु जसरी हुन्छ म तिमीलाई मेरो घर लगेरै छाड्छु सर नमस्कार यो पेपर चाहिँ साच्चै किन्नु पाइन्छ तपाईले भनेको कुरा सम्भव छ तर त्यसको लागि तपाईले कति समस्या खान सक्नुहुन्छ चिया भयो के पुगो मलाई थाकिसके हिँडे गर्छौ कसले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने प्रहरीलाई बोलाउनु होला साला सरकार जागिर हो भन्ने बित्तिकै राजीनामा अब दशा लाग्यो चाहिँ कसको के लाग्दो रहेछ सही सर विजुअल अच्छा है के को पैसा अब फेरि म्युजिक भी अच्छा गएन कि मतलब केलो साउंड इफेक्ट छ दादी मात्र छ मेरो पैसा दिन्न र पैसा दे छ तिमीलाई म कस्तो लाग्छ ट्युसन पढ्न कुन केडीसँग जान्छ कुन केडीसँग फर्किन्छौ हामीलाई सब थाहा छ हाम्रै गाउँको बहिनी हो अनि बहिनी हो भने अस्ति भाउजू कोठामा किन लिएर गइस विश्वास बिना त सम्बन्धको कुनै पनि अर्थ हुँदैन मसँग जिन्दगी बिताउन सक्दैन भने मेरो एक रुजी डिवोर्स ऊ तयार छ भने म पनि तयार छु हो गया अच्छा अपना हिरो अंगूठा इसलिए लगा रहा है इसका मतलब अपनी जो हीरो मेन एक्ट्रेस है वो पढ़ी लिखी दिखाई है उनकी अच्छी जॉब दिखाई है अब मुझे इस सीन से सब समझ में आ गया लेकिन जो अपना हीरो है वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है पढ़ाई कर रहा है एक बड़ा अफसर बनने के लिए ऑलरेडी हमारी जो हीरोइन है वो तो बड़ी अफसर हैं तो इस चीज़ में घर में कलेश चलते होंगे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और तुम नहीं हो ऐसे करके तो इसलिए ही वो आपस में इसको एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हैं यही रीज़न होगा मतलब एक तरीके से अपना हीरो कमा नहीं पा रहा है और वो एक तरीके से अपनी जो वाइफ जो अपनी एक्ट्रेस दिख गई है उसमें वो वाइफ बनी है उनकी तो उनके पैसों पर मतलब जी रहे हैं वो मतलब उनका खा पी रहे हैं उनके पैसों का वो खुद कुछ कमा कर नहीं कर रहे हैं या फिर खुद उल्टा उन्हें कमा कर खिला नहीं रहे हैं ठीक है तो इसलिए चलती होगी लड़ाई हाँ ये होगा क्योंकि इस सीन से पता चलता है ना अपना हीरो अंगूठा लगा रहा है और अपनी एक्ट्रेस ने तो भाई या हीरोइन ने तो साइन करा अपना हीरो क्यों ये तो भाई ये तो है ये तो देखिए रहा भाग्य बाय पास निस्केला त नाम सरकारी जारी खाना अलग टैलेंट से हुनुपर्छ गाह्रो हैन मलाई त यो पहिले बहुत ट्राई कर रहा है अपना हीरो पढ़ने की लिखने की समझने की लेकिन ये उम्र भी नहीं है एक तरीके से पढ़ने की क्योंकि लोग जैसे कि वही देख ही रहे हो तुम वो कोचिंग सेंटर में या कोचिंग क्लास में बच्चे चढ़ा रहे हैं उन्हें अपनी गारो हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन आई नो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सब कहते हैं कि सीखने की उम्र नहीं होती है मतलब कुछ भी सीखने की उम्र नहीं होती या क्या क्या होता है वो किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है ये कुछ लेकिन भाई समाज ऐसा है वो जीने नहीं देता ना भाई अगर तुम 60-70 साल के 60-70 भी नहीं 40-45 साल के व्यक्ति को ठीक है अगर तुम कॉलेज के बच्चों के साथ जो 20-21 साल के बच्चे हैं उनके साथ डाल दोगे तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल दोनों साइड से होगा देखो पढ़ने को मना नहीं कर रहे हैं ठीक है पढ़ो पढ़ते हैं लोग लेकिन भाई वो एडजस्ट अपने आप में करना और फिर मतलब हम कॉरपोरेट कर रहे हैं कॉरपोरेट क्या कहते हैं उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं उन बच्चों के साथ ठीक है हम टॉर्चर झेल रहे हैं वो टॉर्चर ही एक तरीके से माइंड भाई इतना प्रेशर पड़ता है ना माइंड पे जब कोई चिढ़ाता है इस चीज़ का ये कहाँ आ गया पढ़ने ये तो ये रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ऐसे ऐसे लोग बोलते ही हैं अब सीधे शुभवनी में तो वो रिकॉर्ड चल ही रही है देखो यहाँ मतलब वो सब कुछ करने की ट्राई कर रहा है वो यहाँ तक कि चाय भी बेच रहे हैं मतलब चाय दे रहे हैं मतलब वो हर जगह अपना मतलब पूरा 100% कर रहे हैं कि कुछ हो सके बट समझ में आ गया मुझे कंसेप्ट क्या है होप कंसेप्ट यही होगा और बाकी तुम सब समझा देना ठीक है कि इसमें क्या चल रहा था मैंने पूरी कोशिश की कि इसके अंदर यही होगा मेरे हिसाब से तो और बैसाख मतलब ये इसकी रिलीज डेट क्या थी 14 अप्रैल को आ रही है 14 अप्रैल को आ रही है मूवी ऑल ओवर बढ़िया है ठीक है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप मुझे समझा देना और डिटेल में बाकी मेरे हिसाब से यही होने वाला है मूवी के अंदर मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ पक्का प्रूफ है कि यही होने वाला है मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से अगर कुछ और है तो वो आप मुझे समझा दो कमेंट बॉक्स में लिखकर बाकी मुझे बढ़िया लगा विजुअल्स अच्छे हैं सिनेमाटोग्राफी अच्छी है ठीक है साउंड इफेक्ट्स अच्छे हैं एंड मतलब बेहतर है मतलब अच्छा है एक अच्छे टॉपिक पे है एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगी मूवी सबके सामने तो सही है वो मुझे अच्छा लगा
मतलब थिएटर में देखने लायक मूवी है, और बस ये होप मेरे एरिया में भी आए मूवी, मतलब इंडिया में भी रिलीज़ हो। मुझे लगता नहीं है होगी, बट देखते हैं। बाकी मुझे बढ़िया लगा, तुम बताओ अपना ओपिनियन, अपना सुझाव, अपना नज़रिया कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और मुझे समझाओ इसमें क्या चल रहा था कमेंट बॉक्स में लिख कर। बाकी मुझे ठीक लगा, मतलब मुझे अच्छा लगा, नॉट ठीक लगा, ये अच्छा लगा। चलते हैं, रेत अलविदा, मेरा ओपिनियन नहीं है ये, मुझे अच्छा लगा। चलते हैं, रेत अलविदा, बाय बाय गाइस, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दो, बाय बाय गाइस, बाय बाय।